उधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रयागराज जिले में जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अखिलेश और सपा पर बड़ा हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी हार का एहसास हो गया है, इसलिए पार्टी की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए परिवार का सहारा ले रहे हैं। पहले बुजुर्ग पिता मुलायम सिंह यादव का सहारा लिया और अब शिवपाल यादव और डिंपल यादव का भी सहारा लिया। कैलाश विजयवर्गीय प्रयागराज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान अखिलेश यादव पर उन्होंने करारा हमला बोला और कहा कि बुजुर्ग पिता मुलायम सिंह यादव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि हार का डर अखिलेश यादव को सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी इन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। वो संगम नगरी प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं, कई जिलों की कमान उनके पास है, यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप लोग बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से आप लोगों की सीधी लड़ाई है। आज जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी ने, उसमें शिवपाल यादव का भी नाम शामिल कर दिया है, क्या संदेश है इसके पीछे? देखिए, अब वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम परिवार पूरा एक है, पर वास्तव में उनके परिवार के क्या हालत हैं हम जानते हैं, इसलिए हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं। पर हाँ, हमारी पार्टी का प्रचार यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। शिवपाल यादव के साथ साथ डिंपल यादव का भी नाम रखा गया। पहले कह रहे थे अखिलेश यादव की परिवार की महिलाएँ नहीं निकलेंगी प्रचार करने। अब देखिए, उनको अपनी डूबती नैया दिखी तो अपने परम पूज्य पिताजी मुलायम सिंह जी को भी ले आए सभा के अंदर। कल वो पोलिंग बूथ के सामने मतदाताओं के हाथ जोड़ रहे थे तो उनको लग गया। वहीं पूर्वांचल के गाजीपुर की जमनिया विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह और भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह के बीच जुबानी जंग दिन ब दिन और तीखी होती जा रही है। भाजपा विधायक सुनीता सिंह ने ओम प्रकाश सिंह की बीएचयू की डिग्री की जांच करवाने की नसीहत देते हुए कहा कि ओम प्रकाश सिंह सिर्फ छात्र राजनीति करने बीएचयू गए थे। सुनीता सिंह की तीखी प्रतिक्रिया ओम प्रकाश सिंह के उस बयान के विरोध में है जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक को कम पढ़ी लिखी बताते हुए ट्यूशन लेने की सलाह दी। सुनिए, उनका उनका भाषा जिस तरह का है वो जवाब उनको जनता देगी, मैं क्या दूं। मैं भी बीएचयू में पढ़ी थी जब वो थे, वहाँ पे छात्र नेता थे, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो अपनी ही डिग्री चेक करा लें, क्योंकि वहाँ किस राजनीति करने के लिए वो बीएचयू में गए थे और मैं वहाँ पढ़ने के लिए गई थी।